प्रथम पगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निदया वै ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। गुरु तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। हर नौ निद आवै ताए, नौ निद आवै, कर नौ निद आवै ताए, तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निद आवै ताए, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निद आवै ताए, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर थाई होए सहाय, सब 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 थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, सब थाई होए सहाय, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, आवै ताए, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निद आवै ताए, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, हर नौ निद आवै ताए, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए, प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीश झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश होई, बठिंडा जिले का नगर डिख समुचियां संगतां वल्लों रल मिल करके हर साल नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे शहीदी दिहाड़े दे संबंध विच
9 ते 10 दिसंबर नूं सलाना प्रोग्राम किया जाता है। सो मालक ने कृपा की, इस बार भी संगत वालों रल मिल करके धार्मिक समागम उलीके गए। काफ़ी समय तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के पावन चरणों में बैठ करके आप जी हाजरियां भर रहे हो। गुरु प्यारे कीर्तनिया पासों गुरबाणी के शब्द गुरु घर की विचार इतिहास की कथा आप जी सरवण कर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साढ़े कलयुगी जीवन उतारण वास्ते आप भी संगत विच विराजमान हैं और साढ़े सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा अजीत सिंह जी इस स्थान के जो मौजूदा मुख सेवादार हैं वो भी स्टेज पर हाजिरी भर रहे ने। सतसंग जी गुरबाणी का फुरमान है, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जिथे भी जाके सतगुरु जी चरण पा देन जां विराजमान हो जान ओ थां ओ जगह शोभा वाली हो जाती। फिर महाराज जी दा ही बचन है, गुरसिखी सो थान भालिया लै धूड़ मुख लावा। गुरु प्यारे सिख उस जगह नू लभ ही लेंदे ने ते उस जगह दी चरण धूड़ लैके अपने मस्तक नू लाउंदे ने। इसे तरह ही अपने डिख नगर नू पहला भाई भगतू जी जो गुरु अर्जन देव महाराज दे अनिन सेवक सन ओ चरण पा के भाग ला गए। फिर संत बाबा कृपाल सिंह जी महापुरख छन्ना वालिया ने संगत की बेनती प्रवान करके इस नगर विच चरण पाए ते आह भागा भरी धरती जिथे के गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह अपने परिवार समेत चरण पा के गए ने। उस वेले दा स्थान संत बाबा कृपाल सिंह जी महापुरख छन्ना वालिया ने लभ के दिता सी संगत नू, इस स्थान नू प्रगट कीता। फिर संत बाबा गुरदयाल सिंह जी महापुरशा ने संगत विच पई हुई फुट नू दूर करके एकता करवाई। बड़े प्यार सत्कार निम्रता दे नाल इलाके दे भले वास्ते कई कार्ज कीते। सोना दी चलाई हुई मर्यादा मुताबक ही आपां इत्थे आ गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा शहीदी दिहाड़ा मनाउने आ। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ऐसे गुरु ने जिन्हां दे नाल शब्द जुड़िया तेग बहादुर हिंद दी चादर। प्यारिओ जिहड़ा चादर शब्द है ना ये बहुत उत्तम है। आप जी नूं पता है गृहस्थी सिख बैठे हो, कुड़ता पा लो जिन्नी जगह वास्ते बनिया उन्ना ही शरीर नूं ढकेगा, पजामा पा लो जिन्नी जगह वास्ते बनिया उन्ना ही शरीर नूं ढकेगा। पर एक चादर है उपर लैके पै जाइए सिर तो लैके पैर दे अंगूठे तक सारे ही शरीर नूं ढक लेंगी। सो गुरु तेग बहादुर महाराज सिख धर्म विच पैदा होए, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे घर इन्हां ने अवतार धारिया, जिथे गुरमत अनुसार बंदगी कीती, परिवारक गृहस्थ जीवन नूं निभाया। उथे जदों जुल्म दी गल चली
जुल्म दी हनेरी चली। औरंगजेब जुल्म करदा सी, उहदा वैर हिंदुआं नाल पै गया सी। मंदर मसीतां ढा रहा सी, वह हिंदू वीरां ने भी आके जे सतगुर दे चरणां च अर्ज कीती, महाराज ने उन्हां दी भी पुकार सुनी। गुरमुख भाव यह नहीं देखिया भी ये कड़ा साडे धर्म दे ने। गुरु घर का सिद्धांत एक तरफा नहीं हैगा। गुरमुख जदों साहिबजादियां नूं सरहंद वाला नवाब वजीदा नीहां च चिन रहा सी ना, उदों उहने यही गल कही सी, कहिंदा बच्चिओ साडी गल मन लो, तुसीं उह न्याणे जिंदगी ना गवाओ। अगे तुहाडे दादे ने की खटिया, कहिंदा एवें हिंदुआं दा पक्ष लै लिया, अपनी जान गवा ली। जे औरंगजेब दी गल मन लैंदे पूजे जाने सी होर भी संसार विच। ते साहिबजादे आखन लगे, सूबिया होश नाल चल, इस विच खैर है, अत दा ते खुदा दा शुरू तो वैर है। कुछ होश कर, जे गल साडे दादे दी कीती है, उन्हां दा केड़ा किसे नाल कोई विरोध सी। यह ना कह भी हिंदुआं दा पक्ष लै लिया ते जान गवाली। जे हिंदुआं दी जगह धक्का मुसलमाना नाल हुंदा हुंदा, वह भी किते सतगुर दे दर ते आ जांदे। महाराज ने उन्हां लई भी कुरबानी दे ही देनी सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मुसलमान भी नानक दे दर उत्ते जेकर आउंदे तां ओह असीस दिंदे। धक्का हुंदा इस्लाम दे नाल जेकर, ओह इस्लाम दे लई भी सीस दिंदे। तां कहै तेग बहादुर हिंद दी चादर। जिहड़ा भी मालक दे दर ते आया है, किसे नूं भी सच्चे पातशाह ने खाली नहीं मोड़िया। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दसे गुरुआं दी वडियाई कर रहे सी। जदों गल चली प्रथम भगौती सिमर कह गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाए, अर्जन हर गोविंद नौ सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निध आवै ताए। इहदा भाव पता की है कि जेड़ा भी गुरु तेग बहादुर महाराज नूं चेते करू, सतगुर दा नाम लहू शरदा भावना दे नाल, उहदे घर विच दुनिया भर दे पदार्थ ते दुनिया भर दा ज्ञान रिधियां सिधियां धक्के नाल ही आ पहुंचदियां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सब थाई होए सहाय ते गुरु तेग बहादुर महाराज ऐसे गुरु ने, वो कल्ले गुरु घर विच ही अपनी पुकार नहीं सुनदे। भावें तू घर विच बैठा है, जंगलां च बैठा है, गुरु घर बैठा है, किसी मंदिर विच बैठा है, उत्थों भी जे अरदास करेगा तेरी सुनी लेनी। आजीवन काल विच सुनदे रहिंदे हो ना, मक्खन शाह लुभाणा जिन्हें गुरमुख प्यारे वो समुंदर विच बेड़ा डुबदा सी, उत्थों ही अरदास कीती ते उत्थों भी महाराज ने पुकार सुनी। ओदा डुबदा डुबदा बेड़ा बन्ने लाता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो आपां भी सतगुर दे चरणा च अरदास करनी है कि दाता पल्ले लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ पल्ले लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ पल्ले लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे सतगुरु तेरे, पल्ले नाल लाई रखे ओ पल्ले लगे आ सतगुरु तेरे, पल्ले नाल
ਲਈ ਰੱਖਿਓ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ पले लगे आ पातशाह तेरे पले नाल लाई रखे पले लगे आ पातशाह तेरे पले नाल लाई रखे पले लगे आ पातशाह तेरे पले नाल लाई रखे सतगुरु दे चरणा च करदे रहना ते मालक अपने सेवकां दी पुकार जरूर सुनदे ने। आओ धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का अमर जीवन आपां सांझा करना है। दो दिन दे दीवाना दा सुभाग समा प्राप्त होया है। होर विचारां नूं संकोच करके आपां गुरमुखो गुर इतिहास वल ध्यान दईए। शुरू तो ही गुरु तेग बहादुर जी का अमर जीवन दो दिन आपां विचारांगे किथे किथे की होया। छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब अमृतसर विच रहिंदे हुंदे ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का बकाले पिंड विआह होया सी। गुरु जिन्हों बाबा बकाला कहने पहला नाम सी बंका वाला इहदा। उत्थे माता नानकी जी दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब की शादी हुई। हरिचंद लद्दे की सपुत्री सी नानकी। नानकी शब्द इतिहास में दो बारी आता है। एक नानकी हुई है गुरु नानक साहब की भैन गुरमुख। जिथे किते उहदा जिक्र आवे उहनूं कहा जांदा भैण नानकी जां बेबे नानकी। ते जिथे शब्द आवे माता नानकी इह तों तुसीं भाव लैणा है छेवें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब दी धर्म सपत्नी। हरिचंद लद्दा बाबे बकाले दे वासी इन्हां दी सपुत्री नानकी दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी दी शादी होई। अमृतसर विच परिवार रहिंदा सी जिथे गुरुद्वारा गुरु के महल है। उत्थे रहिंदिया होया 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अवतार धारण किया गुरुद्वारा गुरु के महल अमृतसर विच। इन्हां तों वड्डे 4 भरा होर भी सी गुरमुख। बाबा गुरदित्ता जी जिन्हां नूं मान मिलिया धन बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का जो वर मंगिया सो वर दित्ता। उन्हां तों बाद सूरजमल जी अनी राय जी ते बाबा अटल जी। एक बेटी भी सी गुरु हरगोबिंद साहब दी जिहदा नाम इतिहास विच बीबी वीरो करके आया। इह वड्डे सी गुरु तेग बहादुर महाराज उम्र विच सारियां तों छोटे। अमृत वेले दा समा आसा दी वार दा कीर्तन हो ही रहा सी। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह हरिमंदर साहब विच बैठे आसा दी वार दा कीर्तन सुन रहे हैं। इधरों सिख गए जाके खबर दित्ती महाराज आप जी दे महल माता नानकी जी दे पेटों सुंदर बालक ने जन्म लिया। तो महाराज आसा दी वार दे कीर्तन की समाप्ति तो बाद जो घर आए ना जिथे गुरुद्वारा गुरु के महल है आके बालक दे दर्शन किते ते गुरु तेग बहादुर महाराज
कुछ घंटिया दे सी हजे छेवे पातशाह ने इन्हों नमस्कार की आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जो नमस्कार की किन्ना चिर ध्यान नाल तकदे रहे ते बहादुर बाबा विधि चंद जी नाल ही सीगे उन्हां तो रिहा ना गया। कहन लगे सच्चे पातशाह तुहाडे घर विच चार पुत पहलां भी जन्मे होर तां तुसीं किसे नूं देख के मत्था नहीं टेकिया इहनूं का तो टेकदे हो की कारण। छेवें पातशाह कहिंदे बहादुर बाबा विधि चंद जी ये जेड़ा बालक साडे घर विच आया है ना ये धर्म का बहुत वड्डा रखियक है इन्हें रखिया करनी है देश कौम की यह महान पवित्र पूजनी कात्मा आई है। सारी संगत ने भी फिर नमस्कार की जेड़े नाल सन उस वेले बचपन का समा जेड़ा गुरु तेग बहादुर जी का अमृतसर बीतिया गुरु माता नानकी जी ने बहुत लाडल रौना हर गल का ख्याल रखना। जदों दो साल दे होए बैठन लग गए गुरमुख चौकड़ा ला के बहिंदे ना रोंदे बहुता ना हसदे बहुता बस समाधि ला के बैठे रहिंदे। बचपन तो ही ख्याल इदां दा एक दिन माता नानकी जी ने छेवें पातशाह नूं अर्ज कीती महाराज ये जेड़ा बालक अपने घर पैदा होया है ये ना हसदा है ना रोंदा है समाधि ला के किन्ना किन्ना समा बैठा रहिंदा है बाकी बच्चियां नूं जे भुख लगे तां रोंदे है ये तो कई बार खाना पीना भी भुल जाता है। छेवें पातशाह कहिंदे चिंता ना करो तुसीं आपे समय नाल खाना पीना दिया करो ये वाहिगुरु दे रंग विच रहण वाले आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उदों ही फिर महाराज जी ने आखिया सी रंग हस दे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी कर दे रंग हस दे रंगा दे विच रोंदे परवाह ना किसे दी कर दे रंग हस दे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी कर दे रंग हस दे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी कर दे रंग हस दे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी कर दे रंग हस दे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी कर दे रंग हस दे रंग हस दे रंगा दे विच रोंदे रंग हस दे रंगा विच रोंदे परवाह नी किसे दी कर दे रंग हस दे रंगा विच रोंदे रंग हस दे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी कर दे रंग हस दे रंग हस दे रंगा विच रोंदे रंग हस दे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी कर दे रंग हस दे। कहंदे फिकर ना करया करो गुरु तेग बहादुर जी ने आप विद्या सिखाई गुरु आपे विद्या पढ़ाई शस्त्र विद्या भी सिखाई घोड़सवारी भी सिखाई। समा लंघदा गया जदों करतारपुर साहब वाला युद्ध होया ना जलंधर जिले च पैंदा करतारपुर उस वेले 9-10 साल की उम्र सी गुरु तेग बहादुर महाराज पहला नाम सी त्यागमल गुरु तेग बहादुर बाद च पिया पहला त्यागमल नाम रखिया सी। त्यागमल ने करतारपुर वाले युद्ध विच तलवार चक्की घोड़े ते सवार होए कई जालमां नूं सोधा लाया आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों उत्थे तलवार दे जौहर दिखाए सी तां उस वेले छेवें पातशाह दया दे घर विच आए कहिंदे इस पुत्र तेग दा वी धनी तेग बहादुर नाम उदों बाद प्रचलित होया तेग बहादुर।
बचपन विच आ संसारी खेडा नहीं खेडियां, ज्यादातर भजन सिमरन करना, समाधि लाला बहना। जदों गुरमुख प्यारे 11 साल की उम्र हुई उस वेले करतारपुर के रहने वाले लाल चंद खत्री उन्होंने बेनती की, महाराज मेरी सपुत्री है गुजरी, मैं चाहना मेरी धी का रिश्ता मैं आप जी के सपुत्र त्यागमल नू कर देवां। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने हां करती, समा रखिया गया। 11 साल की उम्र गुरु तेग बहादुर जी की, 9 साल की उम्र सी माता गुजर कौर जी की, पहला नाम गुजरी सी, विआह हो गया गुरमुखो। कुछ समा करतारपुर साहब रहे, कुछ समा अमृतसर साहब भी आके फिर निवास किया। करतारपुर साहब रहिंदिआं होइआं बाबा गुरदित्ता जी ने गुरमुख प्यारिओ नवां नगर वसाता सी कीरतपुर साहब, उत्थों फिर सारा परिवार कीरतपुर साहब आ गया। ते कीरतपुर साहब की पावन धरती ते रहिंदिआं होइआं 6वें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपना अंतला समा जाण के सारियां दियां अड्डो अड्डी ड्यूटियां लाइयां सी। 5 सपुत्र सन, किसी नूं दुकानां कहतियां भी लै भाई इहदे नाल अपना गुजारा कर लिओ, किसी नूं जमीन जायदाद की माया आउण लग गई। बाबा गुरदित्ता जी तां शरीर छड्ड चुके सन, बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र हर राय साहब जी नूं गुरता गद्दी देती। जिहड़ा धीरमल सी इह बाबा गुरदित्ता जी दा ही सपुत्र सी, गुरमुख गुरु हर राय साहब जी दा भरा। उन्हें की कीता, जदों करतारपुर साहब तो कीरतपुर साहब आउणा सी ना, उदों ही कलेश पा लिया सी। जिहड़ी गुरु अर्जन देव महाराज ने बीड लिखवाई सी उन्हें लुको ली सी गुरमुख, कहिंदा ना तां मैं नाल जावां ना ही मैं थोनूं देवां बीड, ये तो मैं ही रखूँ, धक्के ना दबली सी। 6वें पातशाह ने कहा सी, कहिंदे धीरमल ये वड्डे गुरुआं दा खजाना बीड़, इहनू जिन्ना मर्जी लकोला तू रख नहीं सकेगा, बीड़ तां घर घर पहुंचू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आ जिहड़ी बीड़ दे हुण तुसीं दर्शन कर रहे हो, ये धीरमल ने गुरु गोबिंद सिंह नूं मीज़ी दित्ती गुरमुख, उहदी अंश वंश सीगी। उदों कहिंदे असीं नहीं देनी, जदों महाराज दमदमा साहब आए, इह तां 10वें पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा कर गए। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूरन गुर अवतार, चौकड़ा ला के बहिंदे इको अंकार तो लैके 18, 10, 20 तक बाणी जबानी बोल बोल के लिखाई महाराज ने, भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी तो। ये तां बीड़ अपने तक आई है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धीरमल ने बीड़ दबली सी करतारपुर साहब, 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे सब दा गुजारा हुंदा रहेगा, छड्डता कल्ले गुरु तेग बहादुर जी नूं। ते माता नानकी जी ने बेनती कीती, महाराज मेरा पुत्र तेग बहादुर तां वैसे ही भोला है, ना बहुता खाण पीन दा लालच, ना बहुता माया दा लालच, बस समाधि ला के बैठा रहिंदा है, इहदा गुजारा किवें होएगा, इहदे वास्ते की हुक्म है। 6वें पातशाह ने कहा सी, नानकी जी तुसीं इहनूं लै के बकाले नगर चले जाओ, हजे इहनां नूं भगती जप तप होर करन दिओ, इहनां सिर तां बहुत वड्डी जिम्मेवारी आउणी है, अकाल पुरख वल्लों ड्यूटी ला के भेजी हुई है। तां गुरमुख प्यारिओ गुरु हरगोबिंद साहब दे शरीर छड्डण तों बाद 5 दिन बाद गुरता गद्दी तां देती सी गुरु हर राय साहब जी नूं, पोतरे नूं। ते माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर साहब नूं लै के अपने पेके चले गए सी।
ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਤਿਆਗਮਲ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਿਆਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਸਤ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੁੱਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕੁੱਜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਤੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸਾਰ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ ਰੋਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ। 1664 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਚੱਲੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਵਸਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਵਸਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਵਸਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਵਸਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਵਸਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਸਦੇ ਆ ਬਕਾਲੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੰਸ਼ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੂਹਰੇ ਚੇਲੇ ਬਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੂਹਰੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਕਿ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਚੜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਧਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ, ਵਸਤਰ, ਮਾਇਆ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਟਕਵਾਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਰੇ ਚ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਮੱਥੇ ਟਕਵਾਈ ਜਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ 1665 ਈਸਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1665 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਘਟੀ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਭਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਸੌਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਭਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਲਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਲਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਲੁਭਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੋਹ ਬਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੂਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁੱਖ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਤਕੜੇ, ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਸੁੱਖ ਵਾਂਗੂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਪਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ
बहुत वड्डा गुरु घर का सेवक होया है। ये भी लुभाणा सिख सी सौंदे शाह जी जिन्होंने अफरीका देश वाले जेड़े वसदे है ना लोग उधर जाके गुरमुखो सिखी का प्रचार बहुत किया। बाबा हसना जी लुभाणा, भाई बल्लू जी लुभाणा, भाई नथिया जी, भाई दोसा जी, सुहेला जी, तख्त मल, ये गुरु घर के श्रद्धालु होए। तो भाई कूरम जी गुरु हर राय साहब वेले जो चंडीगढ़ जाने गुरुद्वारा अंब साहब वह भी लुभाने सिखा चो ही होए ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरमुख प्यारे समा लंघता गया। गुरु तेग बहादुर वेले ये मक्खन शाह बहुत वड्डा व्यापारी सी, इधरला समान विदेशों तक लेके जाता हुंदा। एक बारी समुंदरी वेड़े विच बाहरों समान लेके आ रहा सी, कहिंदे ने तूफान आया गुरमुख, समुंदरी लहरां उच्चियां उच्चियां उठन, जेड़े बेड़े च इहदा समान लद्दिया होया सी वो डिक डोले खाण लग्गिया। ये गुरु घर का श्रद्धालु सी, पंजवें पातशाह वेले तो सिखी सेवकी इन्हां ने धारण कर ली सी पूरी। सत संगत जी जेड़ा बेड़े नूं चलाउण वाला मला सी वह कहिंदा मक्खन शाह जी समान भी अपने कोल ऐतकी बहुत कीमती है, ते बेड़े विच माया भी है, सब तो वड्डी गल अपनी जान बहुत कीमती है। हुण तूफान आउण करके समुंदरी लहरां बहुत उच्चियां उच्चियां उठदियां है, मैथों भी बेड़ा संभालिया नहीं जा रहा, मैथों भी बेड़ा संभालिया नहीं जा रहा। कोई अरदास करो, किसे गुरु पीर नूं ध्या लो, जे जान बचाई जांदी है ते बचा लो। आखो सतनाम गुरु। कहिंदे जे जान बचाई जांदी है ते जान बचा लो, नहीं तां मारे जावांगे। मक्खन शाह लुभाणे ने फिर गुरु नानक साहब दे चरणां दा ध्यान धरिया, कहण लगा महाराज मैनू ये तां नहीं पता इस वेले कौन गुरु है, मेरा डुबदा होया बेड़ा बन्ने ला दो, मैं आप जी दी गुरता गद्दी ते पहुंच के 500 मोहर चढ़ावांगा। आखो सतनाम वाहिगुरु। अरदास कीती सी सच्चे पातशाह दे चरणा चलो, तुसीं भी बोलियो, मेरे डुबदे बेड़े नू सतगुर जी पार लंघावो, 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 डुबदे बेड़े नू सतगुर जी पार लंघावो, मेरे डुबदे बेड़े नू सतगुर जी पार लंघावो, मेरे डुबदे बेड़े नू सतगुर जी पार लंघावो, मेरे डुबदे बेड़े नू सतगुर जी पार लंघावो। इस तरह जदों बेनती उहने कीती ते उथों ही पुकार सुनी गई, समुंदरी लहरां शांत हो गईयां ते डुबदा डुबदा बेड़ा गुरमुख प्यारे बन्ने लग गया। आखो सतनाम वाहिगुरु। जदों बेड़ा बन्ने लग गया ते इस बार समान भी बड़ी छेती बिकिया। गुरु इन्हें फिर सलाह कीती, कहिंदा मैं गुरु घर दी सुखना सुखी सी, पहला वो पूरी करके आवां, पता कीता भी हुण गुरु नानक दी गद्दी दा मालक कौन है। दसन वालिया ने दसता भी अठवें गुरु हरकृष्ण जी तां शरीर छड गए, वो अंतम समय कह के गए ने भी नौवां गुरु बकाले है। फिर इन्हें तैयारी कीती, होर भी संगत नूं लै लिया, पहुँच गया गुरमुखो बाबे बकाले दी धरती ते। अगे विसाखी दा पुरब सी, संगत होर भी बहुत आई हुई,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 22 ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵਪਾਰੀਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹੇਂਗੇ ਰਮ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਵਪਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਵਪਾਰੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਰਵੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਧਰਦਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 22-23 ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਆਇਆ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਆ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਹੋਈ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਾ ਹੱਸਣ ਦੀ ਨਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੋਟਾ ਫੜੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ
कहिंदे उहनूं छेती बुला लो। अगे नहीं सी मिलण दी आग्या दिंदे, घट ही मिलदे सी। अज कहिंदे उहनूं लियाओ बुला के छेती, आग्या मिल गई। माता गुजरी जी कहिंदे जा भाई दर्शन करिया, मिलला जा के तैनूं बुला रहे है। मक्खण शाह ने जाके नमस्कार कीती, दग दग करदा चेहरा, ऐदा चौकड़ा लाया होया, दोवें हाथ गोड्यां दे उपर रखे होए, महाराज दे नेत्र बंद, समाधि लाई बैठे। मक्खण शाह ने दर्शन कीते, कर कर दीद नाले पूंजदा सी अखियां, पंज मोहरां पहलां वांगू चरना ते रखियां। दर्शन कीते, नेत्रां चो नीर ही वह गया नाल दी नाल, हजे बोल चाल नहीं होई कोई भी। अखां पूंजदा मक्खण शाह पहलां वांगू पंज मोहरां गुरु जी तेग बहादुर महाराज दे चरणा ते रखतियां। जदों पंज मोहरां धर के मत्था टेक के मुड़न लगा ना, गुरु तेग बहादुर जी ने बांह फड़ ली, आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। बोले गुरुदेव बल्ले शाह चन मखना, किन्नी देर होर तू उधार साडा रखना। कहंदे बल्ले होए मक्खण शाह तेरे हजे किन्नी कु चिर होर उधार रखेगा। मक्खण शाह ठठंबर गया गुरमुख। महाराज कहिंदे ने थोड़ा सी जे हौसला तू भार नहीं सी चुकना, सेखी विच आके का तो सुखी सी तू सुखना। पातशाह कहिंदे जे तेरे विच सुखना देण दी हिम्मत नहीं सी, तू पहला सुखी का तो कहिंदे। उदों तां सेखी चाके तू सुखना सुख ली, ते हुण देण दा ना ही नहीं लै रहा। मक्खण शाह कहिंदा है महाराज मैं तां सुनिया सी वी गुरु माया नहीं मंगदा। सतगुर कहिंदे माया दे भुखे नहीं, जे अज ना मंगदे ते तेरी तसल्ली नहीं सी होनी। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। तू सोच के आया ना भी जेड़ा होएगा सच्चा ते मंग के लै ले तां मंगी है। महाराज कहिंदे पहला तू एडी वड्डी सुखना सुखी, हुण दे क्यों नहीं रहा, पंज मोहरां धर के मुड़न लगा। थोड़ा सी जे हौसला तू भार नहीं सी चुकना, सेखी विच आके का तो सुखी सी तू सुखना। ओए डुबदा सी बेड़ा तू दुहाई हाल पारिया, चन्ना तेरा दुख साथों गया ना सहारिया। कहिंदे उदों तां जदों बेड़ा डुबदा सी तू दुहाई पाउंदा सी वी बचाओ मैनू बचाओ, साथों तेरा दुख सहारिया नहीं गया, क्योंकि तू गुरु घर दा भरोसे योग सिख है। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। पर हुण दस कादा इतवार तेरी किदां दी जवान है। कहिंदे कादा इतवार रह गया तेरा, पहलां तां तू 500 मोर सुखी सी ते हुण 5 धर के मुड़ चले। तां कहा सी कहिंदे कादा इतवार तेरी किदां दी जवान है, मोढे उत्ते देख हजे किलां दे निशान है। ला के ना कुड़ता महाराज ने परे, कहिंदे आ वेख मोढे ते हजे तक किलां दे निशान है, जेड़ा मोढा ला के तेरा बेड़ा पार कीता। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कादा इतवार तेरा किदां दी जवान है, मोढे उत्ते वेख हजे किलां दे निशान है। जदों इन्नी गल कही ते मक्खण शाह फिर तहां मार मार रो पिया। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। सच्चे पातशाह कहिंदे मक्खण शाह रो ना, याद कर मोरां पंज ही रखियां ने, मोरां पंज ही रखी। मक्खण शाह ने फिर बेनती की, कहिंदा सच्चे पातशाह मोर तां मैं 500 ही चढ़ाउणी सी, पर करां की, बाहर तां गुरु वाले बने बैठे, मैनूं पता नहीं सी लगदा सच्चा कौन है। ये तां परखण वास्ते मैनूं ये रचना रचनी पई। पातशाह बाहर चल के वेखो, तुसीं तां बैठे हो भोरा साहिब दे विच, ठीक है तुहाडे पल्ले सच हैगा, पर बाहर भोली भाली जनता दी लुट भी बहुत हो रही है। आखो सतनाम। बाई मंजियां डईं
सच्चा गुरु नहीं लपेया बस लोथा ही पईयां ने सच्चा गुरु नहीं लपेया बस लोथा ही पईयां ने भाई मंजियां दईयां ने भाई मंजी गुरु नहीं लपेया बस लोथाई पईयां ने हो सच्चा गुरु नहीं लपेया बस लोथाई पईयां ने कहंदा सच्चे पातशाह भाई गुरु बने बैठे है सच्चा कोई भी नहीं बस लोथा ही पईयां आखो सतनाम श्री वाहिगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने जद दसी ना फिर मन दी गल फिर इन्हें 500 मोहर भी मत्था टेकी सतगुर कहंदे जे तैनू सच दा पता लग गया ना हुण आपदा आनंद विच रह मस्ती विच रह बहुता रौला नहीं पाईदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु उस वेले फिर कातो रहा जाना कोठे चढ़ गया गुरु को विसाखी का दिन सी संगत बहुत फिरदी सी कोई किधर कोई किधर फिर कोठे चढ़ के ना जेड़ा परना गल च पाया सी ऐ घुमाया इन्हें लोग देखण भी इहनू की हो गया कोठे चढ़ के इदा कत करी जांदा जदों सारे इहदे वल देखण लग गए फिर इन्हें गुरमुख प्यारियो भोरे ते खलो के फिर नारा एक मारिया सच्चा गुरु लादो रे पुकारिया फिर भोरे ते खलो के कहा सी कहिंदा आजो भाई सच्चे गुरु दे दर्शन करने आ जी ने धन गुरु तेग बहादुर महाराज तां इत्थे बैठे है तेग बहादुर सिमरिया 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 हर नाम नित आवे पाए तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया हर नाम नित आवे पाए तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया हर नाम नित आवे पाए तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया सब खाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया ने कोठे चढ़ के रौला पाया फिर सारी संगत गुरु तेग बहादुर महाराज वाल आई उस वेले फिर पंज पैसे नारियल मत्था टेक के धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी नू गुरता गद्दी दा तिलक लाया गया संगत आउन लग गई दर्शन करन गुरु तेग बहादुर जी दे ते जेड़े बाकी बैठे सी ना उन्हां नू ईरखा हो गई गुरु क्योंकि आपां वी वेखदे आ लोग अपने दुख विच उन्ना दुखी नहीं हुंदे जिन्ना दूजे दी चढ़दी कला वेख वेख के दुखी होई जाणगे लभदे आ भी कोई वीक पॉइंट मिले घाट वाला महापुरश आए ने जी आयां नूं बेनती आ स्टेज ते आ जो सत संगत जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी होगी जय जयकार संगतां आउण नमस्कारां इधर होण लग गईआं ते दूजे पासे जिहड़े धीर मल जी बैठे सी है तो यह भी गुरु परिवार चो सी देखो आपू तो लगता भी अपना ही विरोध हों सू खांद्या कोई राजी नहीं देख के आप कहने ना आम ही गल् चल पर इतें गुरु साहबान भी ये कुछ होया कथा कहानियां थोनू तां सुनाने घबराया ना करो डोलिया ना करो
जय जयकार उन्हां दी होई जिन्हां ने दुख सुख नूं नहीं देखिया, सिर्फ मार्ग देखिया भी असीं आए कादे वास्ते आए। आपां सारे संसार नूं सुंदर बनाउण वास्ते हर जीव नूं मालक ने कोई ना कोई गुण दे के भेजिया। किसी च कोई गुण है, किसी च कोई गुण है। औगुणां नूं छड्डो, गुणां विच वाधा करो। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਧੀਰ ਮਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਸੀਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਬਚ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੀੜ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਆਗੀ ਬਰਾਗੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਗੁਰਮੁਖਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਭਾਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੀੜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੀੜ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀੜ ਦੱਬ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀੜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਲੱਭੀ ਬਹੁਤ ਪਰ ਬੀੜ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੀਰ ਮੱਲਾ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਨੌਵੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ।
ना मिली भीड़ लभदा रहा। दूजे दिन तक फिर किसी ने समझाया, कहिंदा क्यों एवें औखा होया, समा बर्बाद ना कर, भीड़ तैनू मिलजू जरूर, पर नौवे गुरु तो गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हां दा नां लै। फिर इन्होंने कड़ा प्रसादी देग तैयार की, नौवे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब का नां लैके जदों की अरदास, फिर भीड़ लभी सी। कहिंदे एक दो रुमाले जरूर भिजे सी, बाकी पानी बीड़ तक नहीं सी पहुंचे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओदा कारण की सी, गुरमुखो मालक दा हुकम सी, पौन पानी ते देवते सारे पै बिच वसदे ने, पौन पानी ते देवते सारे पै बिच वसदे ने, मिल गई धीर मल नूं लै गया अपने डेरे। ते हुण भी उह बीड़ गुरमुखो जलंधर जिले विच करतारपुर पैंदा। मैं पहला ही बेनती कीती है, करतारपुर दो ने, एक करतारपुर साहब वह है जिहड़ा पाकिस्तान विच अजकल पिछे जे लांघा खुलिया, यह करतारपुर साहब गुरु अर्जन देव जी ने वसाया सी, बहुत वड्डा स्थान है गुरद्वारा थम साहब। सो उस करतारपुर दे विच धीर मल दा डेरा, बाद च गुरद्वारा साहब भी उन्होंने बनाया, उत्थे हुण भी उह भीड़ पई है। गुरु पहला तो दर्शन करवा देंदे सी, बाद विच कुछ ऐसियां गल्लां होईयां दर्शन कराउणों हट गए गुरमुख, उह हुण भी भीड़ उत्थे पई है। भीड़ तो लै गया धीर मल, सतगुरु फिर उत्थों बाबे बकाले तो चल के श्री दरबार साहब गए दर्शन करन, ते उत्थे भी गहां इन्हां ही पुजारियां दा कब्जा सी। तो धीरमल के बंदिया ने की किया, जिहड़ी दर्शनी ड्यूटी सी ना गुरमुखो, उन्हूं जिंदा ही लाता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु तेग बहादुर महाराज मक्खन शाह नूं कहिंदे, मक्खन शाह जे साडे जाण नाले दुखी हुंदे आपां कानू धक्के नाल जाणा, आप बाहर बह गए। जदों हुण जाने हो ना दर्शन करन श्री अकाल तख्त साहब दे नाल ही गुरु तेग बहादुर जी का स्थान बनिया होया भोरा साहब गुरद्वारा, उत्थे महाराज बाहर बैठ के संगत सारी उत्थे, ते महाराज कहिंदे मक्खन शाह जी तुसी जाओ नाले ता देग कराया हो, ते नाले तुसी जो अरदास बेनती करनी है कर लो, क्योंकि सानू दरबार साहब विच जाण दी आग्या नहीं है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इदां भी होया गुरमुख, पर एक जरूर बेनती करूँगा, जे किते कोई अपने जान ना दुखी हुंदा धक्के नाल कानू जाणा गुरमुखो, बथेरा संसार बसदा है, सेवा सिमरन तां जिथे भी बह के कर लोगे महाराज ने उथे ही मंजूर करना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कई थावां ते देखीदा ना, कई गुरु घर ऐसे भी ने जिथे हजे भी कुछ मनमुख लोग वसदे है, जात पात नूं मन के गुरमुखो ईरखा करदे, कई जाके फिर लड़ाइयां झगड़े करदे है। धर्म स्थाना ते कादा झगड़ा गुरमुख, मालक का नाम जपना, सेवा करनी है कर, भावें अपने घर विच कर ला, मालक ने तो तेरी उत्थे भी जय जयकार कर देनी है। क्योंकि गुरु रामदास महाराज जी ने पावन बाणी विच शब्द उचारण किया, नीच जात हर जपते हैं उत्तम पद भी पाए,
पुछो बिदर दासी सुतै कृष्ण उतरिया घर जिस जाए। कहंदे जिथे भी कोई रब दा नाम जपदा भगती करदा गुरमुख प्यारियो मालक ओदी उथे ही जय जयकार करवा दिंदा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। इस करके लड़ाइयां झगड़िया च नहीं पैना, वाद विवाद च नहीं पैना। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जीवन पढ़ते हैं, जिथे भी गए ज्यादातर तो गुरमुख प्यारे उदों लोगों ने विरोध ही किया, पर सतगुर ने सेवा सिमरन पहल दी, नाम बाणी पहल दी। अज गुरमुख प्यारे थां पर थां ते जय जयकार गुरु तेग बहादुर जी की हो रही है। एक आधे करके नाम दियां बड़ियां सब तेरे नाम दियां, 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 नाम दियां बड़ियां सब तेरे नाम दियां। की सिफतां करिए अपने साहिब दियां, 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 की मालक दियां सिफतां करिए गुरमुख प्यारियो साढ़े वास्ते सतगुर पूरने पागे। सत्संग दे विच आए हो, गुरु तेग बहादुर जी का लड़ीवार इतिहास सुन रहे हो। इदू अगे की होया आपां कल नूं विचार करांगे, पर वध चढ़ के कल नूं भी हाजरी भरियो। संगत विच आउण दा जिहड़ा फल है ना सेवा सिमरन दा, लो एक शब्द दी विचार आपां करनी है फिर समाप्ति वल वधांगे। भाई गुरदास जी ने कुछ बचन लिखे, सत्संग दी महिमा, गुरसिखां दी सेवा दी महिमा, गुरु दी सेवा दा फल की मिलदा। लो प्रेम अदब सत्कार नाल शब्द सरवण करो जी। पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नहाए, तैसा पुन एक गुरसिख कौ नवाए का। श्रद्धा भावना दे नाल जिहड़े सेवा करदे आ ना गुरमुखो, उहनां नूं इह फल मिलदा है। भाई गुरदास जी कहिंदे पंज वार गंगा ते जाके इशनान करिया, पंज वार प्राग राज तीर्थ ते जाके इशनान करिया। ये हिंदुआं दा वड्डा तीर्थ है जिथे तीन पूजन योग मेन नदियां कट्ठियां होंदियां। पहला नाम सी प्राग राज, जदों हिंदुआं दा बोलबाला सी मुसलमानां दा बोलबाला होया उहदा नाम अलाहाबाद धर लिया अल्लाह दे नाते। वो महान तीर्थ उत्थे पंज वारी इशनान करिया, पंज वार गंगा ते जाके इशनान करिया, जिन्ना उन्हां दा फल मिलना है कहिंदे उन्ना ही फल मिलजू किसे बाणी नाल जुड़े हुए गुरसिख दा शरदा नाल इशनान करा दे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये फल है गुरमुखो। देखो अखंड पाठ साहिब हुंदे ने, सहज पाठ हुंदे ने, जिथे गुरु की बाणी सुननी है गुरु के वजीरां दी सेवा शरदा नाल इशनान कराओ, भोजन प्रशादा छकाने हो, उहदा एड्डा वड्डा फल दस्सिया। पंज वार प्रागराज जाया, गंगा ते इशनान भी पंजे वारी करिया, इन्ना ही फल मिलजू पूर्ण गुरसिख दा बाणी नाल जुड़े हुए दा नितनेमी सिख दा इशनान करा दे। अगे होर दसदे हन, सिख कौ पिलाए पानी भाओ कर कुर खेत, अश्वमेध जग फल सिख कौ जिवाए का। कहिंदे शरदा भावना दे नाल किसे गुरु दे सिख नूं इक पानी दी घुट भी पिया देना। सिख कौ पिलाए पानी भाओ कर कुर खेत, कुरक्षेत्र बहुत वड्डा सरोवर है हिंदू वीरां दा, श्रद्धा नाल जांदे आ इशनान करदे आ उत्थे गुरमुख।
लंगर भी लाते हैं। गुरु नानक साहब भी गए से उस स्थान पर, उत्थे भी जाके महाराज ने सच का होका दिता से। कहिंदे ओह कुरुक्षेत्र जाते हैं इशनान करन, पुन दान करन, जिन्ना उन्होंने फल मिलता है उन्ना ही फल मिल जूगा। किसी गुरु के सिख नूं पानी की घुट शरदा नाल पिया देवें। जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। देखो 100 मंदिर सिउने का बना के दान कर देखो, जिन्ना उन्हूं फल मिलना है उन्ना ही फल मिल जूगा। कहिंदे किसी सिख नूं एक गुरु का शब्द सिखा दे, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये बेनती करनी चाहना, देखो बच्चे पढ़ लिख गए, वड्डे वड्डे लेख हिस्टरियां याद कर लेंदे है, कोशिश करिया करो, उन्होंने कहा करो भाई कि जपजी साहब भी याद कर, चौपी साहब भी याद कर, तो जिन्हों पढ़नी आँदी है बाणी वीरां भैणां भी बेनती है। घर विच दादा दादी बेबे बापू कोई नाना नानी बैठा बजुर्ग, तुसी पढ़े लिखे हो बाणी दे शब्द, अनपढ़ बजुर्गां नूं भी याद कराया करो। 100 मंदिर सोने का बना के दान कर दिओ, उन्ना ही फल मिल जूगा। एक शब्द जे किसी नूं गुरु का सिखा दिए, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एडा वड्डा फल है गुरमुख प्यारिओ। अगे होर भाई गुरदास जी दसते हैं, जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहू, तैसा फल सिख को चाप पग सुहाए का। कहंदे पूरन किसे साधु महापुरख दा 20 बारी दर्शन करिया, पूरन महापुरख दा 20 बारी जाके शरदा नाल दर्शन करिया, जिन्ना ओदा फल मिलूगा उन्ना ही फल तेनू इत्थे मिल जू। किसी गुरु दे सिख दे चरण घुटन की सेवा कर दे, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पर करिए कि महाराज तां किन्ना फल दसदे है, इत्थे होमे ही इन्नी भर गई गुरमुख प्यारे, सिखां दे तां की भैरी हथ लाउणे आ, दुनिया माँ बाप का भी सत्कार भुल गई। गुरबाणी ने तां कहा गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वर, पर इत्थे कौन किसी का सत्कार करता गुरु। बेनती है भाई आ शब्द आप जी ने सुनिया है, एक दूजे का सत्कार करना सीखो। गुरु महाराज तो इतों तक कह गए, कहिंदे जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जीओ। कोई गुरु का सिख मिले झुक झुक के उहदे चरणां ते नमस्कार कर, असीसां दा पात्र बन, ते किन्ने किन्ने वड्डे फल दसे आ सेवा सिमरन दे। सो आपां भी वध तो वध सेवा सिमरन वल ही जुड़ना है, ईरखा वैर भावना भुला के भाई प्यार सत्कार निम्रता वाला जीवन धारण करो। हुण जिहड़ी मर्यादा है गुर संगत कीनी खालसा, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब तक जिनी संगत सी। महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे भाई खंडे बाटे दा अमृत छको, गुरु वाले बनो। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पंजां प्यारियां कोलों आप भी खंडे बाटे दा अमृत छकिया, गुरमुख आप भी गोविंद राय तो गोविंद सिंह बने, ते आपां नूं भी कह के गए ने भाई अमृत छक के गुरु वाले बन जाओ। बीबियां महाराज कहंदे मेरियां धीआं भाई मेरे सपुत्र ने, ते जेड़ा रहत बहत विच रहिंदा है, दसां नौवां दी किरत करदा है, सुबह शाम नितनेम करदा है, भजन बंदगी नाल जुड़िया है, मान मर्यादा विच परपक्क है, उन्हूं तां इन्ना माण देता। कहंदे खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। कहंदे खालसा तां मेरा ही रूप है, ते मेरा वासा उस खालसे विच है जेड़ा रहत बहत विच परपक्का है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस करके बाणी और बाणी दी संभाल जरूर करो भाई, किस दाड़ियां रखो, दस्तारां सजाओ, गुरबाणी पढ़िया करो, नाल सेवा करो, जेड़े बाणी नाल जुड़े हो गुरु का हुक्म मन के जिउंदे जिउंदे अमृत जरूर छको भाई। उन्ना चिर साडी गुरु ने फिर बाह नहीं फड़नी। हाँ जिन्नी सेवा करोंगे उहदा फल तां जरूर मिल जूगा जिथे भी रहांगे, पर जेड़े सचखंड की थां है वह महाराज कहिंदे अमृत छके बिना नहीं मिलनी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो 11 तरीक नूं अमृत संचार हो रहा है, प्रबंधकों वालों ककारां की सेवा भी फ्री है, वध तो वध संगत अपना मन बनाओ गुरमुख, क्योंकि मन मानिया तो हर जाने, मन बनाओ
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਠੀਆਂ ਦੇ ਹੱਠ, ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥ, ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਤ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहे गुरु 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 वाहे गुरु।